Hello student, standard 3rd. Now we continue our chapter number 1, where to look from. हमने आपको बताया था anything, कोई भी things हो, आप उसको जिस direction से देखते हो, जिस side से देखते हो, उसका view वैसा ही दिखाई देता है. तो यहाँ पे हमने different चीजें आपने देखी थी कि उसका view कैसा बनता है, जैसे कि bus का आपने देखा था, cooker का देखा था, chair का देखा था, pencil का देखा था, table का view देखा था. तो ये सब व्यू मैंने आपको बताए थे. तो क्या देखा था हमने, वेयर टू लुक फ्रॉम. आप जैसे भी साइड से उसका व्यू देखोगे आपको वैसा दिखाई देगा, टॉप दिखाई देगा, साइड का व्यू दिखाई देगा, अगर आप आगे से देख रहे हो तो उसका फ्रंट व्यू दिखाई देगा. तो अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं. अब देखेंगे पेज नंबर 3, आपके पास बुक है तो आप बुक में देखिए. पेज नंबर 3 है रंगोली. हैव यू एवर मेड अ रंगोली. आपने रंगोली तो देखी होगी कैसे बनाते हैं. तो माई फ्रेंड मीनाक्षी मेड ब्यूटीफुल फ्लोर पैटर्न. एक बॉय है, उसका क्या है, उसकी फ्रेंड जो है वो ब्यूटीफुल मीनाक्षी नाम है उसका, वो बहुत ही सुंदर रंगोली बनाती है. तो मीनाक्षी कह रही है, आई मीनाक्षी, आई बिलोंग टू तमिलनाडु, वी मेक रंगोली एवरी मॉर्निंग, दे आर मेड बाई यूजिंग डॉट्स. मीनाक्षी कह रही है कि मैं तमिलनाडु में रहती हूँ और मैं रोज रंगोली बनाती हूँ और रंगोली बनाने के लिए मैं डॉट्स का यूज़ करती हूँ. पता है आपको इस टाइप से डॉट्स का यूज़ करके रंगोली बनाई जाती है. तो देखेंगे आपकी बुक में, मैं आपको बता रही हूँ, अगर जिसके पास बुक नहीं है वो देख सकते हैं कि मीनाक्षी ने कितनी ब्यूटीफुल रंगोली बनाई है. और यहाँ पे डॉट्स में भी आपको रंगोली बनाई हुई बताई गई है. तो ये जो रंगोली बनाई हुई है, साइड में जो डॉट्स दिए हुए हैं, आप इसमें यही रंगोली को फिर से रिपीट कर सकते हो. तो आपको ये रिपीट करके देखना है कि रंगोली किस टाइप से बनती है. तो आपको ये डॉट्स काउंट करने होंगे, जैसे कि ये बॉक्स, ये जो आप देख रहे हो ये बॉक्स बना हुआ है. तो हाउ मेनी, इसमें देखोगे आप 4 डॉट्स का यूज़ करके बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है. तो इसी टाइप से आपको डॉट्स काउंट करना है और ये रंगोली कंप्लीट करनी है. अब आगे देखेंगे हम पेज नंबर 4 पे. यहाँ पे बताया गया मेक अदर पैटर्न यूज है, आपको इस डॉट्स का यूज करके और भी पैटर्न बनानी है. तो कॉपी दिस शेप ऑन द डॉट ग्रिड. नोट दैट सम लाइन्स इन द शेप आर स्ट्रेट एंड सम आर नॉट. आपको यहाँ पे क्या बताया गया है, पेज नंबर 4 पे देखिए आप. यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट पैटर्न बनाई हुई है. ओके, कुछ पैटर्न जो है वो स्ट्रेट लाइन से बनाई हुई है और कुछ जो पैटर्न बनाई गई है वो स्ट्रेट लाइन से नहीं बनाई हुई है. तो आपको यही सब चीज़ें इन डॉट्स का यूज करके बनाना है. ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे बनाया है, जैसे कि देखेंगे ये वाली चीज़ दी हुई है. तो आपको पता है कि ये जो लाइन होती है वो स्ट्रेट होती है और ये जो होती है नॉट स्ट्रेट. स्ट्रेट की जो लाइन होती है वो कर्व लाइन होती है, इसे स्ट्रेट लाइन नहीं कहते और दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. तो ये जो ग्रिड है आपको दी हुई है, आपको यही वाली चीज़ें यहाँ पे ग्रिड में बनानी है. ये जो डॉट्स दिए हुए हैं, ओके, तो आपको देख के सेम ड्रॉ करना. तो देखो मैंने आपको बना रही है ऐसी लाइन, सभी डॉट्स को मैंने ज्वाइन करके ये बनाया है. और इसी टाइप से आप ये फ्लावर भी ज्वाइन कर सकते हो. और एक चीज़ बताई गई है, आप देखोगे इस टाइप से बनाया गया है, ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो. और क्या बनाया हुआ है, एक ये भी चीज़ बनी हुई है. यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो लाइन है यहाँ पे ऐसा करती है, इस टाइप से ये भी ड्राइंग आपकी बुक में बनाई हुई है. तो आपको जो भी ग्रिड में डिजाइन दी हुई है उसको सेम टू सेम नीचे वाले इसमें बनाना है. अब नेक्स्ट देखेंगे आप पेज नंबर 5 पे. यूज द डॉट ग्रिड इवन लुक ड्रॉ योर ओन डिजाइन से. अब आपको यहाँ पे एक ग्रिड और दी हुई है ब्लैंक वाली. आपको भी अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी अच्छी डिजाइन बनाना है. आप फ्लावर बना सकते हो, बटरफ्लाई बना सकते हो, पॉड बना सकते हो, आपको कुछ भी बनाना है तो आप बना सकते हो. अब नेक्स्ट देखोगे कंप्लीट दिस फिगर टू मेक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. यहाँ पे आप देखोगे ये इस रेक्टेंगल बना हुआ है, तो ये रेक्टेंगल को आपको कंप्लीट कर देना है, इस ट्रायंगल को कंप्लीट करना है, इस स्क्वायर को कंप्लीट कर देना है, ये स्क्वायर इसको भी कंप्लीट करना है, रेक्टेंगल को कंप्लीट करना है और ये स्क्वायर को भी आपको कंप्लीट करना है. ओके, आपको मैंने क्या क्या बताया कि आपको ये पिक्चर को यहाँ पे कॉपी करना है वैसा सेम टू सेम. इसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ अपने मन से डिजाइन बनानी है और ये वाली जो डिजाइन दी है उसको आपको कंप्लीट कर देना है.
ओके अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 6 पे ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे भी एक डॉट ग्रिड दी हुई है पेज नंबर 6 पे, आपको एक काइट ड्रॉ करना है, लीफ ड्रॉ करना है, फ्लावर ड्रॉ करना है, बोर्ड ड्रॉ करना है, स्टार एंड पॉट ड्रॉ करना है। तो देखो कि ये ग्रिड बनाने के लिए इसी को मैं आगे कंटिन्यू और भी बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे काइट बना गया है, तो यहाँ पे काइट बनाई गई है। अगर आपको कहा गया है कि लीफ बनाइए, तो आपको एक ग्रिड का यूज करके लीफ भी ड्रॉ करना है। पेंटर ने बनाई है और पेंटर बोल रहा है क्या तुम्हें ये पिक्चर पसंद आई है, तो अमीना कहती है ये तो मेरी आधी यानी हाफ पार्ट की पिक्चर आपने बनाई है। ओके तो क्या बोलता है पेंटर, देखिए द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम सो जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। तो क्या कहता है अमीना की पिक्चर किस तरह से बनी हुई है आप देखोगे, उसका फेस है या उसकी जो छोटी है वो हेयर जो है वो दिख रहे हैं, फिर इसके बाद में ये है और उसके बाद में उसका नेक दिख रहा है, नेक के बाद में आप देखोगे उसका शर्ट है और उसकी ड्रेस है। इस टाइप से उसकी हाफ पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है। ओके और यहाँ पे उसकी आई है और ये उसकी अमीना की हाफ पिक्चर बनी हुई है। तो पेंटर क्या कह रहा है अमीना को कि तुम्हारा जो इस तरफ का हाफ पिक्चर मैंने बनाया है, हाफ पिक्चर भी सेम टू सेम वैसा ही है, तो तुम क्या करो यहाँ पे मिरर को रख दो। अगर आप मिरर यहाँ पे रखोगे तो ये जो पिक्चर है इसका रिफ्लेक्शन इस मिरर के अंदर दिखाई देगा, तो तुम यहाँ पे मिरर को रखो और मिरर के अंदर आपका जो है आधा पिक्चर दिखाई देगा, वो देख देख के आप यहाँ पे जो है हाफ पिक्चर को ड्रॉ कर लेना, ऐसे हाफ पिक्चर को ड्रॉ कर लेना। ओके ऐसा क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, पेंटर कह रहा है। तो यहाँ पे बोले तुम्हारी जो पिक्चर है वो कंप्लीट
जाएगी। क्या करा अमीना ने पेंटर को अपनी पिक्चर बनाने के लिए कही, तो पेंटर ने उसका हाफ पार्ट बना के दे दिया और कहा कि आधा पिक्चर सेम टू सेम वैसा ही है, तुम इसे मिरर में देखो और आधा पार्ट जो हाफ पार्ट है वो उसे बना लो। ऐसा उसने अमीना को कहा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, नाउ कैन आई हैव माय मनी। अब पेंटर कहता है कि तुम मुझे 200 रुपीज दे दो, मैंने तुम्हारी पेंटिंग बना दी है। तो अमीना गेव हिम 100 रुपीज नो। तो अमीना क्या करती है, 200 का हाफ क्या होता है, 100 रुपीज। अमीना उसे ओनली 100 रुपीज देती है और कहती है बट, और दे देती है। तो पेंटर कहता है कि बट दिस इज ओनली हाफ द मनी, ये तो तुमने मुझे आधी ही पैसा, आधा ही पैसा दिया है। तो द अदर हाफ इज एब्सोल्युटली द सेम, सो जस्ट पुट अ मिरर नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी। और अमीना हा 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 करके हंसने लगती है। अमीना क्या कहती है कि जो मैंने आपको 100 रुपीज का नोट दिया है, दूसरा 100 रुपीज का नोट सेम टू सेम इसके जैसा ही होता है, तो इसके सामने आप मिरर रख दो और मिरर के आगे आपको दूसरा 100 रुपीज का नोट दिखाई देगा, वो सेम टू सेम उसके जैसा ही होगा। और क्या करती है, और हंसने लगती है। तो यहाँ पे अमीना ने क्या किया, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। क्या कहा अमीना की उसने आधी आधी पिक्चर बना के दी, तो अमीना ने उसको आधा ही पैसा देगी ना, तो अमीना ने ऐसा ही किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हाफ इमेज कैसी होती है। हाफ इमेज कैसी होती है कि अगर वन साइड की इमेज हमारे पास बनी हुई है तो उसका मिरर हाफ भी वैसा ही होता है। अगर हम उसे मिरर में देखेंगे तो वो सेम टू सेम इस तरफ वैसा ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कुछ पिक्चर इसी टाइप से है, तो यहाँ पे बटरफ्लाई बनी हुई है, यहाँ पे देखेंगे जो कैंडल जो दिया है वो बना हुआ है, यहाँ पे एक कैट की या फिर जो मंकी की किसी की भी जो पिक्चर बनी हुई है वो फेस बना हुआ है, और यहाँ पे स्टार बना हुआ है, यहाँ पे फेस बनी हुई है। तो आप देखेंगे बटरफ्लाई ओनली हाफ पार्ट बना है, बटरफ्लाई का ओनली हाफ पार्ट बना है, तो हम ये पार्ट को देखिए इसका हाफ बना लेंगे। या फिर आप यहाँ पे मिरर रख के देखोगे और मिरर का साइड इस तरफ होना चाहिए तो ये हाफ पार्ट आपको मिरर में दिखाई देगा, तो आपको सेम टू सेम साइड वैसा ही ड्रॉ करना है। तो आप देखेंगे ये सर्कल को हम पूरा करेंगे, ये भी हम पूरा करेंगे, फिर हम इसे पूरा करेंगे, और ये लाइन भी हम इसे लाइन को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये सेम है तो हम सेम इधर करेंगे और इसके बाद ऐसा करेंगे और ये ओके, हमारी बटरफ्लाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कंप्लीट करेंगे तो ये देखेंगे दिस टाइम ये और ये कंप्लीट। तो आपको जो मिरर आप वाली पिक्चर दी हुई है उसको आपको कंप्लीट करनी है। अब देखेंगे ये, फिर ये दिस, फिर ये, अब ये और ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये स्टार को देखेंगे, ये ओके, ये और ये कंप्लीट। अब ये भी कंप्लीट करेंगे हम, ये स्टार भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये मिरर आपका इसका हाफ पार्ट हमने ड्रॉ करा। अब हम फिश को भी वैसे ही ड्रॉ करेंगे, अब देखो इसको कंप्लीट करेंगे और ये हो गया हमारा मिरर आप। अब हम इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे और ये भी ड्रॉ कर देंगे और इसके बाद में क्या होगा यहाँ पे, तो ये फिश भी हमारी कंप्लीट हो गई और इसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक किया हुआ है वो भी आपको कंप्लीट कर देना है। ओके, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, मिरर आप इमेज जो होती है वो आपको बताई गई है। ठीक है, द पेंटर हैड मेड मेनी सच पिक्चर इन विच ही ड्रू ओनली वन ऑफ द थिंग्स। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पिक्चर पेंटर ने बना के दिए हैं, तो आपको इसे कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी आपने देख लिया कि मिरर आप इमेज कैसी होती है वो आपने देख ली है, और आपको क्या करना है, ये जो ग्रिड की जो एक्सरसाइज मैंने बताई है तो उसमें आपको ग्रिड की रंगोली ड्रॉ करके देखना है, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन ड्रॉ करके देखना है, और जो रेक्टेंगल ट्रायंगल स्क्वायर का जो इनकम्प्लीट था
उस पिक्चर को भी आपको कंप्लीट करनी है और ये मिरर आर्क वाली पिक्चर भी आपको कंप्लीट करनी है। और आपको ये जो मैंने स्टोरी बताई है अमीना की, वो स्टोरी भी आपको घर पे बताना है, आपके पेरेंट्स को सुनाना है कि पेंटर ने कैसा किया था। ओके, ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी तो आपको ये सब अच्छे से रीड करना है।